वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और आज हम हैं टियागो 2022 में। यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस इसमें मिलेंगे, इसके एक्सटीरियर्स में एज वेल एज इसके इंटीरियर्स में भी कुछ माइनर से चेंजेस हैं और इंजन ऑप्शन आपको सेम मिल रहा है जो पहले मिलता था। सो बात करते हैं इसके चेंजेस के बारे में और क्या क्या फीचर्स हमको ऑफर किए जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा दूँ, तो कुछ ऐसी आपको कीज़ मिल रही है लॉक ऑन लॉक। यहाँ पे फॉलो मी होम का ऑप्शन भी दिया गया है इसमें और ये आपकी फ्लिप की आ जाती है। पीछे टाटा की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी। सो ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जो टाटा सफारी में कलर आता था कुछ वैसा ही आपको ये मिडनाइट डार्क वगैरह का ब्लू कलर है। सो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सो राइट अवे खोलते हैं इसका इंजन बे। सबसे पहले ये है आपका एक्सजेड प्लस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन वाला और ये आपको ऑन रोड 7,50,000 अप्रॉक्स पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इंजन आपको यहाँ पे सेम ऑफर किया जाता है जो पहले आ रहा था। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो 85 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको मिल जाता है इसमें। यहाँ पे एमरॉन की बैटरी वगैरह मिल जाएगी आपको। पीछे की साइड इंसुलेशन वर्क काफ़ी अच्छा है, ऊपर भी आपको यहाँ पे इंसुलेशन देखने को मिल रहा है। सो नॉइस वगैरह इसमें थोड़ी बहुत आपको मिलेगी माइनर से, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है तो जनरली आपने देखा होगा जब भी आप 3 सिलेंडर इंजन ड्राइव करते हो तो हल्का फुल्का नॉइस तो आपको मिलता ही है। सो वो ज़्यादा कोई बहुत इशू की बात नहीं है, फिर भी यहाँ पे इंसुलेशन वर्क काफ़ी अच्छा दिया गया है तो जिसकी वजह से रिफाइनमेंट थोड़ी सी बेटर हो जाती है। अब बात करते हैं इसके न्यू एलिमेंट्स में। सो फ्रंट में ही आपको काफ़ी न्यू एलिमेंट्स इसमें दिख जाएंगे। इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे इस कलर की वजह से भी ये काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में और फ्रंट्स में भी आपको जो दिख रहा होगा क्रोम वगैरह इसमें जो यूज़ किया गया उसकी वजह से इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। सो बात करते हैं इसकी लाइट्स की, क्योंकि ये यहाँ लाइट्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो इसकी वजह से जो गाड़ी का लुक्स है काफ़ी ज़्यादा और इन्हेंस हो रहा है और ये आपकी नॉर्मल लाइट आ रही है, साथ में टर्न इंडिकेटर यहाँ दिया जाता है। जो सेकंड बड़ा चेंज है, अब आपको इसकी ग्रिल पे पूरा क्रोम मिल जाता है। सो ये ट्रायरो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है क्रोम का, ये भी काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बना देता है। और नीचे की जो ये लोअर लिप थी ये तो पहले से ऐसी आती थी और अपर लिप इसमें ब्लैकआउट की गई थी। लाइट्स के ऊपर की साइड अगर आप देख लो यहाँ भी आपको क्रोम वर्क दिख जाएगा जो अगेन इस गाड़ी के जो फ्रंट लुक्स है उसको काफ़ी अच्छा बना देता है। सो ये इसके ओवरऑल फ्रंट लुक्स आ गए। नीचे लाइसेंस प्लेट लग जाती है और ये सेकेंडरी ग्रिल आपकी आ गई। यहाँ पे आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई है, LED DRLs देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और जितनी भी मॉडर्न कार्स आ रही है उसमें आपको ये चीज़ मिल जाती है। सो इस यहाँ पे अब टियागो में भी इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी है तो काफ़ी अच्छा एक एलिमेंट इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉग लैम्प जिसके सराउंड्स पे आपको क्रोम मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये इसकी फ्रंट लुक्स है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। बोनेट लाइंस वगैरह आपको सिमिलर मिल जाएगी। ऊपर का पार्ट आपको यहाँ पे ये प्लास्टिक का मिल जाएगा। वाइपर्स आ जाते हैं दो और साइड की जो लुक है फेंडर की वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एंड उसके अलावा जो एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। ORVM में आपके ब्लैक कलर के आ जाते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने में लगेगा। यहाँ पे आपको ड्यूल टोन में इसके अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। यहाँ पे साथ में डिस्क ब्रेक भी दी गई है और जो टायर सेक्शन है वो 175/60 R15 दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट लो विशबोन मैकफर्सन सस्पेंशन दी जाती है। एंड रियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे, साथ में आपको रियर ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग माउंटेड सस्पेंशन यहाँ पे दी जाती है। ब्रिजस्टोन के टायर्स दिए गए हैं। डायमेंशन वाइज यहाँ पे एक्जैक्टली सेम है जो आपको पहले मिलती थी। अप्रॉक्स 3.7 मीटर्स की इसकी लेंथ दी गई है और इसका जो व्हील बेस है वो 2.4 मीटर्स का है। एंड यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिल जाता है। यहाँ पे इसके साइड्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको डोर हैंडल पे भी क्रोम वर्क देखने को मिल जाता है। सो ऑल 4 डोर्स पे आपको ये मिल जाएगा एंड ड्राइवर साइड पे आपको की इंसर्ट भी दिया जाता है। बी पिलर आपका नॉर्मल आ जाता है, यहाँ पे मैट ब्लैक की फिनिश दी गई है इस बी पिलर पे। बाकी ये ओवरऑल इसका कुछ लुक है। ऊपर की साइड आपको एंटीना दिख जाएगा, सो एक एंटीना प्रोवाइड किया गया इसके फ्रंट साइड पे। यहाँ पे आपको 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इसके रियर पे आ जाते हैं तो अगेन एग्जैक्ट सेम है, नीचे आपको जो एक्स्ट्रा दिया गया है अभी यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर वाइपर डिफॉगर आ जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप और जो स्पॉयलर का डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बॉडी कलर और ये ब्लैक कलर का एलिमेंट आपको मिल जाएगा, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी ले लो कलर की, बट यहाँ पे आपको ये वाला एलिमेंट ब्लैक में मिल जाएगा जो एक काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है इसको। पीछे की लाइट्स आ जाती है नॉर्मल हैलोजन लाइट्स है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और ये ब्रेक लाइट आपकी दी गई है। सो नीचे लाइसेंस प्लेट लग जाती है और इसमें आपको यहाँ पे दिया जाता है रिवर्स कैमरा, की इंसर्ट दिया गया है टियागो की बैजिंग। सो ओपन करते हैं इसका बूट।
सो टेल गेट ओपन करते ही कुछ ऐसा आपको स्पेस मिलेगा। कवर्ड पैनल मिलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइट स्पेस आपकी लग रही है अगर आपके बैग थोड़े वाइड हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहा होगा आपको ये अंदर को आ रहा है ये दोनों साइड पे। बाकी इसमें 242 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। पार्सल ट्रे भी दी गई है विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, काफ़ी एक प्लस पॉइंट रहता है पार्सल ट्रे का होना। और यहाँ पे कट दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड आपको ये गोल लाइट मिल जाती है। ये पैनल भी कवर्ड है, यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए ये हैंडल दिया गया है, सो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप आपको मिल रहा है, नीचे की साइड अगर मैं दिखा दूँ तो ये आपको स्टील रिम में इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो कि 13 इंचेस का दिया गया है। सो क्लोज करते हैं इसको। अब यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर्स पे आ जाते हैं तो कीन सेट आपको दिया जाता है, साथ में क्रोम वर्क मिल रहा है। डोर ओपन करते ही यहाँ पे ऐसी कुछ आपको ओपनिंग दी जाती है, एंड ओपनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे न्यू चेंज जो लग रही होगी वो इसके इंटीरियर्स है जो कि अब ब्लैक एंड बेज में आ जाते हैं। पहले आपको ग्रे का ऑफर किया जाता था बट अब बेज कलर में थोड़ा सा और ये प्रीमियम लग रहा है आपको यहाँ से देखने में। डोर कुछ ऐसा है, एंड बॉटल होल्डर की जो स्पेस है वो काफ़ी कंजेस्टेड मिल रही है, सो आई डोंट नो कौन सी बॉटल आप यहाँ फिक्स कर पाओगे, बट साथ में यहाँ पे आपको लिखा भी गया है कि ऐसा कुछ आप बॉटल रख सकते हो। आपको 6 स्पीकर सेटअप मिल जाता है यहाँ पे, ऑल 4 पावर विंडोज़ के बटन दिए गए हैं। ड्राइवर साइड 1 टच डाउन का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, साथ में जो ORVM के कंट्रोल्स है वो आपको ये ऊपर वाली साइड मिल जाएंगे, और इन्हीं को ऐसे नीचे के लिए करके आप इसको क्लोज एंड फिर से ऐसे करके ओपन कर सकते हो। सो एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सीट्स आपको मिल जाएंगी 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ, जिसमें आपको ये हाइट एडजस्टमेंट दिया जाता है, साथ में फैब्रिक की सीट्स दी गई है। ट्रायरो पैटर्न यहाँ भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड आपको फुटरेस्ट और ABC तीनों पैडल्स दिए गए हैं। छोटी सी एक यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है, सो ये आपको ऐसी कुछ चीज़ दी गई है मैंने ऑलरेडी दिखा दी। तीन सेट यहाँ पे मिलता है और ये एलिमेंट आपको टियागो टिगोर दोनों में दिया जाता है, तो जो भी बॉडी कलर होता है वो आपको इस वाले पोर्शन में दिखता है गाड़ी के अंदर से। गाड़ी के इंटीरियर्स में अभी हम आ चुके हैं, सो फर्स्ट लुक जो इसके इंटीरियर का है वो कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, बीच में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, सो ये दोनों चीज़ें जो है गाड़ी को थोड़ा सा और मॉडर्न बना देती है। सो ऐसा कुछ लुक है। यहाँ पे मटेरियल वाइज मैं बात कर लूँ तो मटेरियल डिसेंट रखा गया है, प्लास्टिक क्वालिटीज़ आपकी जो है वो अच्छी दिखेंगी। स्टेयरिंग आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम दिया गया है, सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया, आप इसमें लेदर रैप्ड बाद में चढ़वा सकते हैं आफ्टर मार्केट इंडिया में भी अगर कोई कंपनी आपको ऑफर कर रही हो कोई डीलरशिप। सो यहाँ आपको टाटा की ब्रांडिंग दी जाती है, हॉर्न्स इस साइड पर भी मिल जाती है। ये आपको मिल जाते हैं स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इसके ब्लूटूथ कनेक्शन, कॉल कट एंड रिसीव, साथ में आपको वॉल्यूम और ये मीडिया वगैरह चेंज करने के लिए। तो अंदर की साइड आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, तो यहाँ आपको फ्यूल वार्निंग, टेम्परेचर वार्निंग, दूसरी साइड पे आपको ये RPM और यहाँ स्पीड और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डिस्टेंस टू MT, आपकी करंट माइलेज वगैरह, वो सब यहाँ पे आपका शो होते रहेगा। साथ में ये साइड पे कुछ इंडिकेशंस आपके और मिल जाती हैं। यहाँ पे आपकी लाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, एंड दूसरी साइड पे आपके वाइपर कंट्रोल आ जाते हैं फ्रंट एंड रियर, क्योंकि यहाँ फ्रंट एंड रियर दोनों जगह पे आपको वाइपर्स दिए गए हैं। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, एंड नीचे की साइड से आप इसको लॉक कर लोगे। ए पिलर्स पे आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे दोनों साइड पे, साथ में यहाँ पे आपको रिसिप्ट होल्डर या टिकट होल्डर कुछ ऐसा बोलो ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स इसका पहले से इम्प्रूव हुआ है। डेफिनेटली जो पहले आती थी उनका थोड़ा बहुत लैग करता था बट इसका अच्छा है पहले से। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कापले दोनों मिलते हैं बट वायर्ड हैं। साथ में अगर आप इसके ऐसा रखना चाहते हो सो एक डिजिटल या एनालॉग क्लॉक आप सेट कर लोगे बाद में, तो ऐसी जैसी काफ़ी सारी क्लॉक्स हैं यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हो एज अ थीम। बाकी अगर इसके अंदर फिर से चले जाएंगे तो ये कुछ इसका लेआउट है जिसमें डेट एंड टाइम, बाकी कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है वो आपके शो होते रहेंगे। ये FM का आ गया, साथ में इस साइड चलते हैं तो ये बाकी सारे आपके ऑप्शंस आ गए, फ़ोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कापले, USB वगैरह भी आप इसमें लगा सकते हो। इस साइड पर आपका ऑडियो सेटअप, iPod, पार्क असिस्ट, ये फ़ोन सेटिंग्स आ गए, और बाकी कॉन्टैक्ट्स अगर फेवरेट्स वगैरह सारे आ जाते हैं। सो ये आ जाते हैं फ़ोन सेटिंग्स में, ये सब कुछ आप फ़ोन सेटिंग्स में देख सकते हो। बैक करते हैं और यहाँ पे साउंड डेमो वगैरह भी दिया गया है, बाकी थोड़ा सा मैं सॉन्ग यहाँ प्ले कर लूँगा, बट फुल सॉन्ग सुनने के लिए कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है आप जाके मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका
लिंक। तो बाकी ये इसका ओवरऑल लेआउट है, हैजर्डस स्विच साथ में, यहाँ आपको क्रोम वर्क दिख जाएगा एसी के सराउंड्स में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नीचे आपको बाकी बटन्स मिल जाते हैं, ये लॉक अनलॉक का और ये लाइट्स का। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, सिंगल जोन एसी के कंट्रोल्स, यहाँ से मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, डिफॉगर। नीचे की साइड आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया जाता है, साथ में एक यूएसबी पोर्ट, और ये आई थिंक आप ऐड करवा सकते हो, यहाँ पे ऑक्स वायर बाद में लगा सकते हो। बाकी ये स्टोरेज स्पेस है, आप आराम से अपना फ़ोन वोन यहाँ रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाता है, जिसमें रिवर्स वगैरह भी आपको कैमरा मिल जाता है। तो एक बार रिवर्स करके देखते हैं, यहाँ पे रिवर्स करते ही कुछ ऐसी आपको मिल जाती है। सो विजिबिलिटी वाइज डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। बीप की वार्निंग मिल जाती है आपको जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास आता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अडेप्टिव गाइडलाइंस भी दी जाती है, जो इस सेगमेंट में कुछ कार्स में नहीं भी देते हैं, बट अच्छी बात है यहाँ पे आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सो पार्किंग ब्रेक एंगेज प्लीज़ रिलीज़, ये भी आपको वार्निंग मिल रही है यहाँ पे। करंटली अभी हम रिव्यू बना रहे थे तो इसलिए ऐसा कुछ है। ये आपकी हैंड ब्रेक आ गई, साथ में दो आपके आ जाते हैं कप होल्डर्स, और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे आप कीज़ रख सकते हो, एंड पीछे भी कुछ स्पेस दी गई है बॉटल वगैरह रखने के लिए, वो पीछे चल के देखते हैं। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छी जगह दिया गया है, सो यहाँ पे बटन दिया गया, इसको प्रेस करोगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे टाटा के बारे में लगती है। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आपको ग्लव बॉक्स दिया जाता है, जिसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है। ऊपर की साइड एक कंपार्टमेंट दिया गया है, कुछ अलग से अपने डिवाइसेस रखना चाहो तो रख सकते हो। काफ़ी यूजेबल ग्लव बॉक्स इसका मुझे लगा। सो करते हैं इसको क्लोज। सीट्स की बात कर लूँ तो एक डिसेंट सा आपको कम्फर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे सीटिंग ठीक लग रही है। साइड ग्रिप भी दी गई है थोड़ी बहुत, जो कर्व्स में आपको बॉडी रोल वगैरह मिलता है तो उससे थोड़ा बहुत यहाँ से ये प्रोटेक्ट करता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सीट बेल्ट फिक्स आ जाती है, ये आपका नॉर्मल आ जाते हैं। सो सॉफ्ट क्लोजिंग होना चाहिए था तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि टाटा हमेशा अपनी कार्स में सॉफ्ट क्लोजिंग देता है। आपका यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ IRVM आ जाता है। ऊपर एक माइक्रोफोन दिया गया है और ये सनब्लाइंड्स दिए गए हैं। विद टिकट होल्डर दूसरी साइड भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है, विद वैनिटी मिरर और यहाँ पे एयरबैग्स की ब्रांडिंग। तो एक बार इसकी साउंड क्वालिटी भी आप चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। साउंड क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है इसकी, और जो स्पीकर्स वगैरह हैं 6+ का सेटअप मिल रहा है तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छी यहाँ पे साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। आ जाते हैं गाड़ी के रियर साइड्स पे, तो डोर ओपनिंग यहाँ पे कुछ ऐसी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगेन जो ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली आपको अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे आप बॉटल अच्छे से फिट कर सकते हो, स्पीकर्स आ जाते हैं, एंड ये अनलॉक हैंडल आपका क्रोम में दिया गया है, साथ में पावर विंडो का बटन, और ऐसी कुछ फ्लैट बेंच सीट्स आपको दी जाती है। जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपकी आ जाती है पार्सल ट्रे। सो यहाँ दो अडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तीसरे बंदे की मुंडी रखने के लिए यहाँ पे कुछ भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया, तो अंदर चलते हैं बैठ के देखेंगे इसमें। सो करंटली अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे आपको डिसेंट लेग रूम नी रूम मिल रहा है। आगे की सीट्स मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट किए, सो आप यहाँ पे इजिली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अंडर थाई जो सपोर्ट है वो हल्का सा लैग करता है, तो इसको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव होना चाहिए था। बाकी ऐसे लेग रूम और नी रूम की मैं बात करूँ तो ये आपको डिसेंट मिलता है, इससे कोई शिकायत नहीं होने वाली। साइड पे आपका दूसरा भी फ्रेंड वगैरह या कोई फैमिली मेम्बर आराम से बैठ जाएगा, बीच में थोड़ी स्पेस है तो बच्चे वगैरह बैठ सकते हैं। तीन अडल्ट्स बैठ के जाएंगे लॉन्ग जर्नी पे, वो थोड़ा बहुत कंजेस्टेड रहने वाला है। यहाँ पे आपको टनल भी मिल जाता है और ये स्पेस दी गई है, सो यहाँ आप अपनी बॉटल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ऊपर की साइड आपको एक रीडिंग लाइट दी जाती है, तो ये वाइट कलर में है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ देख के, जो इन्हें वाइट कलर में प्रोवाइड की गई है। साथ में ये आपका आ गया ग्रैब हैंडल, जो अगेन नॉर्मल क्लोजिंग के साथ दिया जाता है, सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं दी गई है। विंडोज़ ओपनिंग ठीक ठाक वाइड है, थोड़ा सा स्लोपी डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, अदर देन दैट काफ़ी एक वाइड ओपनिंग आपको प्रोवाइड करता है, और ये आपको इसके इंटीरियर्स का लुक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका रिक्लाइन एंगल की बात कर लूँ तो ये भी मेरे को ठीक मिल रहा है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हेडरेस्ट अगर एडजस्टेबल होता तो वो थोड़ा और एक प्लस पॉइंट मिलता, और अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ी सी लैक करी है। अदर देन दैट पीछे का कंफर्ट आपको डिसेंट मिलने वाला है, और आप डेफिनेटली आगे का जो व्यू है इसको भी इंजॉय करोगे। तो ये थी टाटा टियागो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली नीचे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे इंस्टा को कीजिए फॉलो। हैव अ गुड डे।